हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट पहले मैं पढ़ा था। उनका कहना था यार कि खाली हम ब्रह्मचर्य और अच्छी डाइट, मतलब कि सलाद रोटी हरी चीज़ें से क्या हम ठीक हो सकते हैं बिना दवा का। ठीक ना, जो जड़ी बूटी हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे चिपचिपा पानी का, नाइट का, और फ्रेश होने टाइम कतरा आना, कमर दर्द करना, बाल झड़ना, हमारा पेट निकलना, जो एड़ियाँ दर्द करना, हाथ पैर कांपना, ये सब चीज़ प्रॉब्लम जिन लोगों को है कुछ ना कुछ, क्योंकि हर बंदे को ये सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा इकट्ठा, कुछ ना कुछ उन लोगों का इफेक्ट करता है। जो हमारा बॉडी में कमज़ोर पार्ट पाता मिलता है भाई, तो उसी चीज़ को प्रभावित करता है जो हमारा कमजोरियाँ है। ठीक ना भाई, चाहे जो हो, जो हमारा लंग्स हो, चाहे हमारा बाल हो, या हमारा पेट हो, मसल्स, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक ना, ये सब चीज़ भाई, ये सब चीज़ इफेक्ट करता है, जो हमारा कमजोरियां हैं, जो हम बचपन में गलतियां करते हैं भाई। तो यही है भाई कि हम बिना जड़ी बूटी से क्या हम ठीक हो सकते हैं, और बहुत लोग तो भी ट्राई करते होंगे भाई। तो आप लोग ये जान ले भाई, ये सब चीज़ मत ट्राई करके छोड़ चुका भाई। मैं खाली सलाद रोटी ये हरी चीज़ें इस्तेमाल करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ब्रह्मचर्य का पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं किसी की तरफ नहीं देख किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था, और ना कुछ गलत हरकत करता था। बिल्कुल शांत स्वभाव, ठीक ना, बिल्कुल शांत, अपना माइंड को एकाग्र करके रखता था। तब भी मैं कईयों महीने, 5-6 महीने ये सब चीज़ अप्लाई किया हूँ भाई, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था। तो आप लोग जान जाइए भाई, ये सब चीज़ मेरे ऊपर बीत चुका है। तो आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई, जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो इतना जान लो वो लोग खाली ब्रह्मचर्य और अच्छा डाइट से ठीक नहीं हो सकते भाई। हाँ, नहीं ठीक हो सकते उनका भाई, जड़ी बूटियों का आवश्यकता पड़ेगा। चाहे जैसी भी जड़ी बूटियाँ हों, या खुद से ले रहे हैं, या किसी से ले रहे हैं, या आप इंटरनेट से भी अगर आप सर्च करके निकाल रहे होंगे ना भाई, तो जो इंटरनेट से सर्च करके निकाल रहे हैं भाई, तो उसको एक दफ़ा किसी से सलाह लेके जरूर खाना। ये नहीं कि भाई आप कुछ भी है सर्च कर रहे हैं, और जो हमारा कमजोरियां हैं, जो हमें जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, वो ठंडा है कि गर्म है, ये सब चीज़ जानकारी रहना बहुत ज़रूरी भाई। नहीं आप खाओगे तो आपको नुकसान होगा, जिस तरह मैं पहले यूज करता था भाई, बहुत बहुत गलतियाँ मैं भी किया हूँ, ठीक ना, इस वजह से समझा रहा हूँ। जो अपने से भी दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं भाई, किसी ना किसी से जरूर सलाह लें, और आपकी इच्छा है भाई कहीं से भी ले सकते हैं दवा। इस समय इंटरनेट का दुनिया तो है भाई, आप कहीं से मंगवा सकते हैं, लेकिन हम जो चीज़ खा रहे हैं भाई, उसके बारे में जानना भी जरूरी रहता है कि भाई हम चीज़ खा क्या रहे हैं। जैसे आप कहीं से मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला भाई, हम लोगों को खुद ही नहीं जानकारी रहता। इस वजह से मैं पहले भी बहुत जगह मैं इलाज कराया हूँ भाई, बहुत जगह इलाज कराया, और उसका रिजल्ट मेरे को 0%, जो मैं खुद की दवा लेके खाता था भाई ना, वो अच्छा मेरे को काम करता था। और बहुत दवा मेरे को नुकसान भी किया है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं किया है, वो मेरी गलती है ना कि मैं किसी से पूछता था ना उछता था भाई, इंटरनेट से निकालता था, कुछ जड़ी बूटियाँ मेरे को नुकसान भी किया है। तो वही भाई आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ, जो अपने से भी खा रहे होंगे ना, जिनके पास पैसा नहीं भाई, बहुत लोग को पैसा नहीं है, तो आप बहुत लोग खाते हैं खुद लेके, तो आप सतर्क होकर खाएं भाई। उसमें यही चीज़ रहना चाहिए कि गर्म चीज़ें नहीं रहना चाहिए भाई, कुछ भी जड़ी बूटियाँ, और कुछ चीज़ें भी रहना चाहिए, जैसे अश्वगंधा भी गर्म करता है, ये सब चीज़ होना चाहिए भाई नॉर्मली। हाँ, क्योंकि ये हमारे मसल्स को टाइट करता है, और अगर आपके पास पैसा है तो कहीं से भी करा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आप संतुष्ट हों, कहीं भी लेने जा रहे हैं भाई अब दवा, ठीक ना। तो आप अपना प्रॉब्लम, जो भी अपना प्रॉब्लम भाई, पूरी तरह उनको बताएं, ताकि हम संतुष्ट हो सकें, ठीक ना। आप आधा अधूरा बताएं और दवा लेके चल दिए, आप सोच रहे हैं पूरी रास्ता सोचते चले आ रहे हैं कि भाई दवा फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, दवा फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, यही हमारे मन में शंका है। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए ना, हमारा माइंड भी उसी तरह काम करता है, उसी हिसाब से हमारा पॉजिटिव हार्मोन्स या निगेटिव हार्मोन, जिस तरह से हम सोचे उसी तरह का दवा हमें भी फ़ायदा या नुकसान करेगा भाई, ठीक ना, या फायदे ही करेगा या तुम फायदे नहीं करेगा, ये चीज़ है। तो इस वजह से कहीं से भी दवा लो भाई, अपना प्रॉब्लम पूरी तरह से बताएं, संतुष्ट हो खुद, हो कि खुद पे भरोसा है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा अपना प्रॉब्लम गिना दिया हूँ, ताकि आपको डाउट ना रहे भाई कि आप दवा खा रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, भाई ये सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। अपना प्रॉब्लम पूरा बताए चाहे जहाँ जाए भाई, यही मैं बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे ऊपर बीता वही बात बता रहा हूँ। मैं भी ऐसे कहता था भाई, पूरी बातें नहीं बता पाता था,
और उतना तो दिमाग खुलता था, ठीक ना। इस जो मर्ज से गुजर रहे हैं भाई, उनका दिमाग जैसे लॉक हो जाता है, ठीक ना, ब्लॉक हो जाता है। इस उसमें ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं रहता। और मैं भी जाता था, अपना प्रॉब्लम भी बताता था कई जगह, कई कई साल पहले, हाँ 8-10 साल पहले, ठीक ना। तो ये चीज़ था भाई, तो प्रॉब्लम जब बताता था तो बहुत चीज़ें मैं बता ही नहीं पाता था। और उसको मैं सोचते 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 चला जाता था कि यार मैं ये चीज़ भूल गया, वो चीज़ भूल गया। तो यही सलाह दे रहा हूँ भाई, कहीं भी हो अपना प्रॉब्लम लिख के रख लें, और जहाँ भी जाएँ उनको दे दे भाई, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग कहीं भी जाएंगे ना, अपना अपना प्रॉब्लम पूरी तरह बता ही नहीं पाएंगे। मैं अगर 100% बोल रहा हूँ भाई, नहीं बता पाओगे, ये चीज़ है, ठीक ना। घबराहट और उतना याददाश्त ना रहना, समय तुरंत हमारा जो माइंड है क्लिक नहीं करता उस चीज़ को जो हमारा प्रॉब्लम है। इस वजह से लिख ले पूरी तरह और बता दे भाई, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक ना। और खाली हम ब्रह्मचर्य या अच्छा डाइट से आप ये सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो नहीं भाई। हमारे अंदर जो हम बचपन में गलती करते रहते हैं ना भाई, तो इतना जान लो, वो कमजोरियां बिना जड़ी बूटियों से नहीं जाने वाला। ना कि अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी दवा तो वैसे भी कोई मतलब की है नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे वैसे भी बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो आप लोग को यही सलाह देना चाहता हूँ यार, चाहे कुछ ही महीना जिनका सोच रहे हैं भाई कि हमारा उतना प्रॉब्लम नहीं है, 2-4% 5% है, हम इसको ब्रह्मचर्य और अच्छा डाइट से सही कर सकते हैं, तो भाई 4-5 महीना अच्छा सस्ता दवा लेके, कम प्राइस में लेके भाई इसको आप कंट्रोल कर सकते हो जल्दी, ठीक ना। नहीं तो उस चीज़ को करते 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 काफ़ी दिन लग जाएगा भाई। अगर प्रॉब्लम आपका बढ़ रहा है ना भाई, बढ़ रहा है तो समझ लो ज़्यादा दिन का मर्ज हो जाएगा, तो उतनी जल्दी भी ठीक भी नहीं होता। अगर प्रॉब्लम बहुत कम है भाई, तो आप कहीं से भी जाके ले सकते हो, 1-2 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके अपना प्रॉब्लम बता के ले सकते हो भाई। इसमें वो नहीं कि भाई आप अपना बॉडी को पैसा की अपेक्षा ज़्यादा समझ रहे हैं, या आपके पास पैसा नहीं, तो भाई कहीं से भी आप सलाह लेके उस चीज़ को अपने ऊपर काम करते रहें, ठीक ना। कुछ थोड़ा बहुत पैसा हो रहा है तो भाई कहीं से भी जाके ले सकते हो अपना प्रॉब्लम बता के, धीरे धीरे और फिर पैसा हो जाए कहीं से भी जाके दवा ले सकते हो, काम करेगा भाई। अगर ताज़ा दवा है तो काम करेगा, अगर ताज़ा दवा नहीं तो काम नहीं करने वाले। बहुत लोग को पैकेट बना के रखे रहते काफ़ी काफ़ी दिन से, जैसे मेरे को भी मिला था वो, कुछ भी नहीं फ़ायदा किया था भाई। लिया था मैं भी कई साल पहले, वो कुछ फ़ायदा नहीं किया था। अगर आपके पास खेत की चीज़ें हैं, तो ताज़ा चीज़ें कोई भी इस्तेमाल करेगा ना भाई, 100% काम करेगा, ठीक ना। आप कहीं से दवा ले रहे हैं उसकी अपेक्षा आप ताज़ा चीज़ खाओगे ना, वो ज़्यादा काम करेगा। तो इस वजह से आप लोग भाई ये इसमें ना पड़े कि भाई हम खाली ब्रह्मचर्य और जो डाइट है इससे हम खाली इसी दो चीज़ को इस्तेमाल करके हम ठीक हो सकते, नहीं भाई। मेरे को तो नहीं लगता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, वैसा कुछ नहीं भाई। मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप लोगों के पास भाई पैसा नहीं है, वैसे भी ब्रह्मचर्य सब कुछ करना चाहिए, और अच्छा डाइट जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे सलाद हो गया, हाँ सलाद, रोटी, मूंग की दाल, ये सब चीज़ें, हरी चीज़ें और फल फूल, ये सब चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करना ही पड़ेगा, जितने हम ठंडी चीज़ खाएंगे ना भाई, उसी तरह हमारा जो हमारा श्रीमन है शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, एकजुट रहेगा। उसी प्रकार का हम जड़ी बूटियाँ खाएंगे, हाँ उसको जो बांध के रखे, ना कि ऐसा चीज़ खाएं जो तगड़ा तनाव हो जाए। हाँ तो ऐसा चीज़ अभी नहीं लेना है। जो लोग भी करा रहे हैं भाई, अपने इच्छा से जैसे भी कराना हो करा सकते हो, जिस जिस प्रकार का आपका प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम बताओगे ना, उसी के अनुसार वो लोग आपको दवा देंगे। ना कि उसमें अभी आपका जो सीमान है पतला है और उसमें तगड़ा दवा दे दिया जाएगा, तो भाई क्या होगा पता है, बहने लगेगा, और ये नाइट वाला प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कतरा और निकलने लगेगा, या मॉर्निंग में उठते टाइम, या फ्रेश होने टाइम, या किसी किसी जरिए से वो निकलता रहेगा भाई। तो आपको यही सलाह देना भाई कि 1-2 महीना 3 महीना जो आपको फ़ायदा लगे जब तक ले लो, कम प्राइस में, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो यहीं तक है भाई, और जो लोग भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 81-27-44-64-03। ये खाली संडे को भाई खुला रहेगा, 1 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी आप कॉल कर सकते हो।